सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के एमपीए नदीम अब्बास बारा का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहता हूं, उम्रा अदायगी के लिए जाऊं मगर अब ज़मीनों पर कब्जा मत करना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताएगा नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म जारी हो गया। फायरिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमपीए नदीम अब्बास बारा का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने ही दिया था। ताहम नदीम अब्बास बारा की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने अपना नाम ईसीएल से निकालने की सदा की गई थी। आज अदालत के रूबरू उन्होंने पेश होकर मौकफ इख्तियार किया कि उम्रे की अदायगी के लिए उन्हें जाना है, लिहाजा उनका नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया गया था जिसके बाद वो उम्रे की अदायगी। बहुत शुक्रिया आपका अमर शाकिर।